सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस मोबाइल की आईसी आइडेंटिफिकेशन के। अब आप इसमें कहेंगे मैम आपने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखा है, लेकिन ये वीडियो उस पहले वाले वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है। ये पार्ट टू है। पार्ट थ्री के बारे में अगर आपको ये वाली वीडियो जो मेरी है अगर ये वाली पसंद आती है तो पार्ट थ्री के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आप कोई भी आईसी जो है बिना बॉर्नियो लिए हुए बिना स्केमेटिक डायग्राम के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी आईसी कहाँ पे लगी है बोर्ड में, कौन सी आईसी किस लिए काम करती है, उसका कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ये सब आप जान पाएंगे बिना बॉर्नियो के, बिना डायग्राम के, बिना गूगल के। आप सिर्फ अपनी आई टेस्टिंग से ही देख लेंगे कि कौन सी आईसी कहाँ लगी हुई है। इसका आपको आईसी का पूरा नॉलेज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ और हर आईसी का डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि निहारिका मैम की सभी वीडियोज आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम जिस आईसी के बारे में, जिस कॉम्पोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द मेन सीपीयू। फर्स्ट CPU, देखिए CPU हमारे बोर्ड में बहुत सारे तरीके के लगे हो सकते हैं। CPU जो है अलग अलग कंपनीज के आते हैं, अलग अलग कंपनीज इसे बनाती हैं जो अलग अलग नाम से जो है हमारे मार्केट में होते हैं, हमारे बोर्ड में लगे होते हैं। किसी कोई ज़्यादा पावर का होता है, कोई कम पावर का होता है। मैं आपको सबसे पहले उनके नेम्स जो हैं वो बताना चाहूँगी। देखिए ये जो CPU मैं आपको बताने जा रही हूँ, मार्केट में ऑलमोस्ट यही CPU जो है वो यूज़ किए जाते हैं, यही CPU जो है हमारे बोर्ड में लगे होते हैं, और मतलब 99% मैं आपको बता दूँ कि यही वाले जो हमारे बोर्ड में लगे होते हैं। तो मैं इनके नाम आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला, सबसे जो पॉपुलर हमारा जो इस टाइम पे इंडिया में ब्रांड चल रहा है वो है एप्पल, जिसके पीछे लोग बहुत दीवाने हैं। एप्पल का CPU लगा होता है हमारे फ़ोन में। देखिए एप्पल के अपने अलग CPU होते हैं जो अपने फ़ोन में वो लगा के देते हैं, अलग होते हैं। उनकी पहचान ये होती है, आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि उनके, जैसे मान लीजिए ये CPU है, उनके अपने CPU जो होते हैं उस पर लिखा होता है अलग से, जैसे A5 हो गया, A12 हो गया, A11। ये मैं जस्ट आपको फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक्चुअल नाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं आपको जस्ट एन एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। सेकंड है हमारा मीडियाटेक, ये एक हमारे बोर्ड में लगा होता है, काफ़ी पॉपुलर जो है CPU नेम है ये, मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है इस CPU का। इसमें आपको खुद से पहचानने की जरूरत नहीं है, इस CPU पे खुद से लिखा होता है मीडियाटेक, एमटेक भी लिखा हो सकता है गाइस, मीडियाटेक लिखा हो सकता है, इसे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड हो गया हमारा मीडियाटेक, पहला था एप्पल जो कि एप्पल के फोन्स में ही ओनली लगा होता है, क्योंकि एप्पल अपना ब्रांड जो है वो सिंगल ब्रांड है, किसी को अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देता है वो। और इस CPU पे गाइस आपको जो एप्पल का जो मार्क है, एप्पल वाला जो आधा कटा हुआ जो हमारा एप्पल है, जो हमेशा हमारे फोन्स के पीछे भी लगा होता है, एप्पल का जो खुद का लोगो है वो भी कई बार जो है CPU के ऊपर आपको मेंशन मिल जाएगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको पहचानना कि आपका जो CPU है कहाँ लगा है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया मीडियाटेक, उसका तो एमटेक या फिर मीडियाटेक नाम लिखा होता है। तीसरा हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का एक आपका CPU होता है ये लगा होता है। चौथा आपको मैं बता दूं क्वालकॉम का, क्वालकॉम के ऊपर पहले हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, क्वालकॉम का CPU कैसे वर्क करता है, मीडियाटेक और क्वालकॉम में क्या फर्क होता है, ये इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। ये मीडियाटेक और क्वालकॉम का आपस में मीडियाटेक वर्सेस क्वालकॉम होता है, क्योंकि दोनों के जो प्रोसेसर होते हैं, दोनों के जो CPU होते हैं ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहे होते हैं, ज़्यादा इनमें कोई फर्क होता नहीं है, 19-20 का फर्क होता है। ये वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको CPU के नेम्स बता रही हूँ कि मार्केट में आपको कौन कौन से CPU देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पांचवा मैं आपको बताती हूँ इंटेल, इंटेल अपने आप में ही बहुत ही पॉपुलर है। इंटेल के आपने प्रोसेसर देखे होंगे जो कि हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे कंप्यूटर्स में भी लगे होते हैं, तो सेम हमारा मोबाइल अपने आप में एक मिनी फ़ोन जो होता है, मिनी मोबाइल जो होता है हमारा, मिनी लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है अपने आप में, पर छोटा छोटा वर्जन है ये लैपटॉप का। बट
इंटेल के जो आप कंप्यूटर्स में देखेंगे, लैपटॉप्स में देखेंगे, ये फोन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 2 फोन या 3 फोन ही होंगे आपको जो इंटेल के आपको सीपीयू के मिलेंगे। ये ज्यादा जो है यूज नहीं होते हैं, इसका ज्यादातर यूज जो है लैपटॉप और आपका सिस्टम में, हमारे जो कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये 5। अब आ जाइए आप छठे पे। छठा हमारा है सैमसंग। सैमसंग के मोबाइलों में लगा होता है गाइज ये, आप अगर चेक करेंगे इनके सीपीयू पे इनके नाम लिखे होते हैं। वैसे मोस्टली जितने भी सीपीयू होते हैं उनके ऊपर उनके कंपनीज के जो नाम होते हैं वो ऑलरेडी मेंशन होते हैं। आपको इन कंपनीज के नाम पता होने चाहिए ताकि आपको सीपीयू को फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। अगर आपको इन कंपनीज के नाम पता होंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये जो आईसी लगी है ये हमारा सीपीयू है। अब इसे हम बोर्ड में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बोर्ड में एक बार बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ से नजर आ रहा हो, मैं जूम कर लूँ इसको एक बार, देखिए अगर आपको यहाँ से नजर आ पा रहा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है सैमसंग। तो ये सैमसंग का सीपीयू है, आपको इस पे नजर आ रहा है तो ये सैमसंग का है। यहाँ पे एक और बोर्ड में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आपको नजर आ रहा हो अगर, ये देखिए यहाँ पे ये क्वालकॉम का है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे यहाँ पे क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, ये आपका सैमसंग का है। ऐसे ही हर आईसी के ऊपर जो है सीपीयू के उस पर मेंशन होता है उसका नाम। अगर आपको सीपीयू के जो कंपनीज हैं उनके नाम जो हैं कंफर्म होंगे तो आप सीपीयू को बोर्ड में आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं ईएमएमसी की। ईएमएमसी जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है स्टोर करने की पावर जिसमें होती है वो होती है ईएमएमसी। ये मार्केट में आपको कई नामों से देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले इसकी पहचान आपको मैं बता दूँ, ये बोर्ड में सीपीयू के 90% होता है कि ये बोर्ड में सीपीयू के बिल्कुल साथ लगी होती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आपको सीपीयू के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। सिर्फ 10% ऐसे मोबाइल हैं जिसमें सीपीयू के साथ आपको ईएमएमसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा कि सीपीयू प्लस ईएमएमसी जो है आपको साथ साथ देखने के लिए दोनों आईसी मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ इस बोर्ड में, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सीपीयू लगा हुआ और ये रही हमारी ईएमएमसी, ये साथ में लगी हुई है बिल्कुल ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये मार्केट में कौन कौन से नामों से आपको या कौन कौन से ब्रांड हैं इसके जो आपको ये मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। तो ईएमएमसी के जो हमारे ब्रांड हैं उनके नाम मैं लिख रही हूँ, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें ताकि आपको आई टेस्टिंग करते ही पता लग जाए कि बोर्ड में कौन सी सीपीयू लगी हुई है, कौन सी ईएमएमसी लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है, कौन सी है ये आईसी, आपको तुरंत पता लग जाएगा क्योंकि आपको नाम क्लियर होंगे उनके। तो पहला नाम मैं आपको बता दूँ, पहला नाम है हमारा तोशीबा। तोशीबा के आपको पता है कि पहले टीवी भी आते थे, अभी भी आते हैं आई थिंक, तो वो तोशीबा कंपनी ही है जो ईएमएमसी जो है बनाती है, ईएमएमसी उस कंपनी की मिलती है मार्केट में। दूसरा आपको मैं बता दूँ किंगस्टोन। किंगस्टोन भी आपको पता है मार्केट में, अगर आपने देखा हो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ये, मार्केट में आपको देखने के लिए ईजिली मिल जाएगा। ये फिर आता है अपना मोस्ट पॉपुलर सैमसंग। सबको पता है कि सैमसंग जो है अपने उसके ईएमएमसी होते हैं वो लगाता है सैमसंग के। ठीक है, फिर हम बात कर लें सैंडिस्क की। आपको पता है मेमोरी कार्ड्स भी मिलते हैं सैंडिस्क के, हमें हमारे पास जो पेन ड्राइव्स भी होती हैं ये भी मिलती हैं मार्केट में। ईएमएमसी भी जो है हमारे पास सैंडिस्क के लगी होती है, ईएमएमसी आईसी जो होती है वो सैंडिस्क की, सैमसंग की, किंगस्टोन की, तोशीबा की आपको देखने के लिए मार्केट में मिल जाएंगी। ये जो गाइस आपके ये 4 जो मेन ईएमएमसी हैं जो आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको इस टाइप के कोई आईसी पे आपको ये वाले नाम दिखते हैं तो आप तुरंत एक चुटकी में पहचान जाएंगे कि ये हमारी ईएमएमसी लगी हुई है। ठीक है, सैमसंग का पूरा जो मैं आपको बता दूँ सैमसंग स्काइनिक्स, अगर आपको यहाँ पे बोर्ड में ये भी दिखे तो ये भी स्काइनिक्स अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो वो सैमसंग का है। ठीक है, सैमसंग स्काइनिक्स। अब मैं आपको बोर्ड में भी चेक करा देती हूँ ईएमएमसी लगी हुई। देखिए मैं आपको बोर्ड में एक बार चेक करके बता दूँ, देखिए इस वाले पे अगर हम फोकस करें तो इस वाले पे एक गौर कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग, ये वाला सैमसंग का है गाइज, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए आपने इस पे सैमसंग लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सैमसंग स्काइनिक्स, कई बार सैमसंग ओनली लिखा होगा, कई बार आपको आईसी पे लिखा होगा स्काइनिक्स, तो आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, समझ जाए कि सैमसंग का ही जो दूसरा नेम है स्काइनिक्स
वो है देखिए, अब मैं इस पे आपको दिखा दूं, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो इस पे, अगर अब मैं जूम करके आप चेक कर पा रहे हो, अगर आपको इस पे नजर आ रहा हो तो यहाँ लिखा है देखिए स्काइनिक्स, ये स्काइनिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्काइनिक्स जो है वो सैमसंग का ही है, तो ये सैमसंग की आपकी लगी हुई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सिर्फ सैमसंग लिखा हुआ, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। ऐसे ही अदर बोर्ड्स में भी ऐसे ही आपको इस तरीके के तोशीबा, किंगस्टोन, सैमसंग, स्काइनिक्स ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं वाईफाई आईसी की, जो कि हमारे फोन के सबसे मेन आईसी में से गिनी जाती है, क्योंकि अगर आपके फोन में वाईफाई आईसी नहीं लगी होगी तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं होगा तो हमारा जो फोन है ऑलमोस्ट डेड होता है। वो देखिए वाईफाई ऐसी जो होती है हमारे बोर्ड में, मेन जो हमारा बोर्ड होता है उसके अंदर सबसे ऊपर जो आईसी लगी होती है वो होती है हमारी वाईफाई आईसी। वाईफाई आईसी का मैंने आपको वर्क बता दिया कि नेटवर्क के लिए यूज की जाती है, नहीं तो फोन डेड होता है। और इसी आईसी में, वाईफाई आईसी में ही आपका ब्लूटूथ का सिस्टम भी डाला जाता है। ब्लूटूथ का जो हमारा कनेक्ट होता है वो वाईफाई की आईसी से ही कनेक्शन होता है उसका। अगर वाईफाई की आईसी में प्रॉब्लम आती है तो हमारे ब्लूटूथ में भी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि उसका कनेक्शन वाईफाई की आईसी से होता है। एक पहचान आपको मैंने ये बता दी कि सबसे ऊपर लगा होता है। दूसरी पहचान में आपको ये बता दूं कि वाईफाई आईसी के पास आपको एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीलेटर क्रिस्टल और वाईफाई एक आईसी जो आपको नजर में आ जाए मेन बोर्ड में सबसे ऊपर, तो आप समझ जाइए कि वो आईसी आपकी वाईफाई की है। आइए मैं आपको इसे बोर्ड में दिखा देती हूँ। देखिए हम इसे बोर्ड में भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बोर्ड है मेन, इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर, देखिए यहाँ सबसे ऊपर ये रहा और ये रही आईसी वाईफाई आईसी, ये रही। और मैंने इसको आपको क्या बोला है कि वाईफाई आईसी के साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीलेटर क्रिस्टल देखने के लिए मिलेगा आपको। तो कहाँ है हमारा क्रिस्टल, ये रहा, ये रही आईसी, ये रहा क्रिस्टल, क्लियर हो गया। जहां आपको ये आईसी नजर आ जाए, अगर आपको बगल में क्रिस्टल नजर आ जाता है तो समझ जाइए कि ये हमारी वाईफाई आईसी है। मैं किसी दूसरे बोर्ड में भी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा मेन बोर्ड, ऊपर लगी है आईसी सबसे ऊपर टॉप पे, बगल में देखिए ये रहा ऑक्सीलेटर क्रिस्टल, ये रहा, समझ गए आप, ये रहा। इस वाले में देख लेते हैं, एक और भी देख लेते हैं, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये लगी वाईफाई आईसी और ये रहा उसका बगल में क्रिस्टल। समझ में आ गई आपको कि जो आईसी सबसे ऊपर लगी होगी अगर उसके साथ ऑक्सीलेटर क्रिस्टल आपको नजर में आ जाता है तो आप समझ जाइए कि वो हमारी वाईफाई आईसी है। अब चौथे पे बात कर लेते हैं हमारी पीएम है, हमारा पावर आईसी, जिसे हम पीएम भी कहते हैं, पीएम को ही पावर आईसी कहते हैं, जो हमारे बोर्ड में सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे बोर्ड को पूरे को चलाती है, सबको पावर सप्लाई करती है, हर एक आईसी को पावर सप्लाई करती है, हर पॉइंट पे आईसी जो है हमारी पावर आईसी जो है वो हर कंपोनेंट को पावर सप्लाई करती है। इसका आपको अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, देखिए इसे हम पावर आईसी को हम पीएम भी कहते हैं। अब पीएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब है पी फॉर पावर, एम फॉर मैनेजमेंट, जो हमारे फोन में मैनेजमेंट, जो हमारे फोन में पावर को मैनेज करती है उसे कहते हैं पावर मैनेजमेंट, उसे कहते हैं पीएम। अब पीएम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखिए पावर आईसी को पहचानने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अगर हम उसे बोर्ड में चेक कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पावर आईसी हमारी ऐसी आईसी है जो पूरी आईसी को सब चीजों को पावर सप्लाई करती है। तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है, सबसे ज्यादा किसी आईसी पे अगर कंपोनेंट लगे होते हैं वो है हमारी पावर आईसी, ठीक है। अगर आप बोर्ड में इसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट देखिए, अगर मैं इस वाले यहाँ पे बात करूं तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट किस आईसी पे लगे हुए हैं, इस वाली आईसी पे, ये है हमारी पावर आईसी। और इसके साथ आपको दूसरी आइडेंटिफिकेशन मैं इसकी बता दूं कि जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंपोनेंट जिस आईसी के पास देखने के लिए मिल रहे हैं वो तो ये हमारी पावर आईसी, लेकिन अगर इसे रिकन्फर्म करना हो कि ये हमारी पावर आईसी है या नहीं है तो इसके पास एक आरटीसी क्रिस्टल लगा होता है, ठीक है। अब इसमें आरटीसी क्रिस्टल कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, ये नजर में आ रहा है आपको, ये आरटीसी क्रिस्टल है, ठीक है। ये रही हमारी पीएम और ये रही हमारी आरटीसी क्रिस्टल। मैं आपको दूसरे बोर्ड में भी चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए इस बोर्ड में आप देखिए, इस बोर्ड में कहाँ लगी है हमारी सबसे ज्यादा कंपोनेंट, किस आईसी पे लगे हैं, इस आईसी पे लगे हुए हैं। तो ये क्या है हमारी पावर आईसी। अब इसका आरटीसी क्रिस्टल आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये रहा इसका आरटीसी क्रिस्टल, ये रहा, ठीक है। और किसी बोर्ड में भी एक बार फाइनली देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको कहाँ देखने के लिए मिल रही है, तो ये देखिए, ये रही हमारी पावर आईसी। और अगर इसको रिकन्फर्म करने के लिए हम इसका क्रिस्टल फाइंड करें तो कहाँ लगा है इसका क्रिस्टल, सबसे ज्यादा कहाँ लगे हुए हैं इस वाले बोर्ड में, हमें कहाँ दिख रहे हैं कंपोनेंट सबसे ज्यादा, इस वाली आईसी पे। तो ये हुई हमारी
पावर आईसी। और इसका आरटीसी क्रिस्टल कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा इसका आरटीसी क्रिस्टल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर आईसी को कैसे चेक करते हैं, कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सीपीयू कैसे समझ में आता है, ईएमएमसी के लिए क्या करना चाहिए, वाईफाई आईसी के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको ये चारों आईसी जो है चेक करनी इजीली आ गई हैं, अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है आपके मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपीरियंस में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस दूसरी आईसीज को पहचानने के लिए अगर आपको ऐसी वीडियोस की हेल्प चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जरूर जल्दी ही एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपको सभी आईसी जो है वो क्लियर हो जाएं। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें रिपेयर ज्ञान के साथ। मैं निहारिका, थैंक यू।